जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों 23 अक्टूबर रविवार के दिन धनतेरस है, और धनतेरस ऐसा खास दिन है कि जिसमें हर व्यक्ति चाहता है कि माता लक्ष्मी का उनके घर में प्रादुर्भाव हो, उनके घर में आगमन हो। और यकीन मानिए, हर घर में माता लक्ष्मी उस दिन प्रवेश करती हैं, जाना चाहती हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके कारण माता लक्ष्मी उन व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और उनके द्वार से ही वापस लौट जाती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ आपको ऐसी लेकर के आनी है आपके घर में कि जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो और पूरे साल आपके घर में जमकर धन बरसे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके कारण माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आती हैं और आपके द्वार पर आई हुई माता लक्ष्मी आपके द्वार से वापस लौट जाती हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या ऐसा न करें या क्या ऐसा करें कि जिससे माता लक्ष्मी आपके द्वार पर यदि आई हैं तो वो आपके घर में भी प्रवेश करें। ऐसा ना हो कि माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही वापस लौट करके चली जाएं। तो क्या ऐसा करें कि जिसके कारण माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएं? तो सबसे पहले, जब माता लक्ष्मी किसी भी व्यक्ति के दरवाजे पर आती हैं, द्वार पर आती हैं, तो यदि आपके घर में मुख्य दरवाजे के पास यदि कूड़ा करकट लगा है, यदि जूते चंपल उतरे पड़े हुए हैं, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे घर में आने से पहले ही माता लक्ष्मी लौट जाती हैं, उस घर की चौखट में प्रवेश नहीं करती हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो मुख्य द्वार है उसको पूरा तरह से साफ रखना होगा लीप पोत करके। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी बड़ा या छोटा बच्चा, बालक, कोई भी दरवाजे के सामने, मुख्य दरवाजे के सामने कोई भी व्यक्ति जूते या चप्पल न उतारे, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके घर की जो मुख्य चौखट है उसे साफ करके उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल रखकर उस पर दिया जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के घर में प्रवेश करती हैं। अब जब माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं तो इसके बाद में यदि आपके घर में घड़ी है और वो बंद है तो वो देख करके भी माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। यदि आपके घर में बंद घड़ी टंगी है या फिर वो समय से नहीं चल रही है, पीछे चल रही है, तो ऐसे में भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं और माता लक्ष्मी वहाँ से लौट जाती हैं। यदि आपके घर में कपड़े और बिस्तर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, घड़ी किए हुए सुव्यवस्थित तरीके से नहीं पड़े हैं, और यदि घर में साफ सफाई नहीं है तो ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी टिकती नहीं है और तुरंत ही उल्टे पैर वापस चली जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि जो आपकी घड़ी हो वो चालू हो और समय से चलती हो। साथ ही साथ आपके घर में कपड़े या बिस्तर सुव्यवस्थित तरीके से ढके हुए रखे हों, इस तरह से रखने चाहिए। घर में बिल्कुल भी कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आपके बर्तनों में धूल मिट्टी जमा है, वो अव्यवस्थित है, उल्टे पड़े हैं, सीधे पड़े हैं, साफ नहीं है, गंदे हैं, तो ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी टिकती नहीं है और ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी तुरंत वापस चली जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। इसीलिए धनतेरस के पहले पहले जितने भी घर के बर्तन होते हैं उन्हें साफ किया जाता है और अच्छे से सजाया जाता है, पूरे घर को अच्छा तरह से रखा जाता है, क्योंकि ऐसे होने से ही माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, क्योंकि वो एक सकारात्मक शक्ति है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। यदि आपके घर में इस तरह का कूड़ा करकट है, गंदगी है, अव्यवस्थित तरीका है, सफाई नहीं है, तो यहाँ पर माता लक्ष्मी टिकेंगी नहीं। साथ ही साथ यदि आपने अपने घर में कैलेंडर टांगा हुआ है और यदि वो गत वर्षों का है या उसमें गत महीने का आपने तारीख लगा करके रखी है, तो ऐसे घर में भी नकारात्मक शक्ति आती है और ऐसे जहां पर नकारात्मक शक्ति का वास होता है वहां पर माता लक्ष्मी टिकती नहीं है, तुरंत ही लौट जाती है। तो यदि आप पर आपके द्वार पर आई हुई माता लक्ष्मी को आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर की चौखट के बाहर जो आपका मुख्य दरवाज़ा है उसको साफ रखें, वहाँ पर जूते चंपल बिल्कुल भी ना रखें धनतेरस के लिए। साथ ही साथ अपने घर की चौखट पर हल्दी, कुमकुम, चावल रखें और उस पर दिया जलाएं।
ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। जब माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके घर के जो बर्तन हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित हों, आपके जो बिस्तर है, कपड़े हैं वे व्यवस्थित हों, आपके घर में जो घड़ियाल हो वो साफ हो, आपके घर का कैलेंडर बिल्कुल व्यवस्थित हो, पूरा घर आपका साफ होना चाहिए। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और टिकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ आप लेकर के आएँ घर में जो बहुत ही मामूली दामों पर मिलती है, लेकिन इन चीज़ों को लाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और फिर ऐसे घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में वो सदा सदा के लिए वास कर लेती हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यदि आप श्रीयंत्र लाना चाहते हैं उस दिन, तो यदि आप तांबे का श्रीयंत्र लेकर के आते हैं, कोई व्यक्ति यदि उसकी तांबे की श्रीयंत्र लाने की इच्छा है, मनोकामना है, तो मैं बता दूं कि जो तांबे का श्रीयंत्र होता है उसकी अवधि 1 साल की होती है। यदि आप तांबे का श्रीयंत्र लेकर के आते हैं और माता लक्ष्मी यदि धन के स्वरूप में आपके घर में वास करती हैं तो उसकी अवधि 1 साल की होती है। 1 साल तक आपके घर में माता लक्ष्मी टिक करके रहती है। यदि आप उनको उस श्रीयंत्र को ओम श्रीम श्रीय नमः या कोई भी माता लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित करके रखते हैं तो माता लक्ष्मी 1 साल तक आपके घर में वास करेंगी। यदि आप चांदी का श्रीयंत्र लेकर के आते हैं और उसको यदि आप माता लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित करके रखते हैं और हर साल उसका पूजन करते हैं, जतन करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में 11 साल तक टिक करके रहेंगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति चांदी का श्रीयंत्र लेकर के आता है और अपने घर में हर साल उसका पूजन करता है, दीपन करता है और माता लक्ष्मी के मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके रखता है तो 11 वर्षों तक ऐसा यंत्र काम करता है और 11 वर्षों तक ऐसे व्यक्ति के घर से चाहे कितना ही खर्च करे लेकिन धन घुटता नहीं है, धन खत्म नहीं होता है। और यदि जो व्यक्ति सोने का श्रीयंत्र लेकर के आता है और हर साल उसका पूजन जतन करता है, धूप दीप करता है, नित्य उसकी पूजा करता है और माता लक्ष्मी के मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके रखता है तो ऐसे व्यक्ति के घर से आजीवन धन खत्म नहीं होता है। जो भी व्यक्ति सोने का श्रीयंत्र लेकर के आता है फिर उसके घर से आजीवन धन खत्म नहीं होता है। तो यदि आपके पास में धन नहीं है, धन का अभाव है, तो सबसे पहले आप तांबे का श्रीयंत्र लेकर के आएँ। तांबे का श्रीयंत्र लेकर के आकर उसका आप पूजन करें, उसको अभिमंत्रित करें और हर रोज उसमें नित्य धूप बत्ती दिखा दिया करें। ऐसा करने से 1 साल तक आपके पास में पैसा खत्म नहीं होगा। इसके बाद यदि आपके पास गुंजाइश हो जाती है तो आप चांदी का श्रीयंत्र लेकर के आएँ। चांदी के श्रीयंत्र से 11 वर्षों तक आपके घर में धन खत्म नहीं होगा, चाहे आप जैसे भी खर्च करें लेकिन आपके घर से धन खत्म नहीं होगा। इन 11 वर्षों के दौरान आप कभी भी सोने का श्रीयंत्र लेकर के आना है। सोने का श्रीयंत्र लेकर के आने से आजीवन आपके घर में से धन खत्म नहीं होगा। जहाँ कहीं भी ये श्रीयंत्र रहेगा इसका पूजन होता रहेगा, हर वर्ष इसका यदि अभिमंत्रित करके इसको रखा जाएगा तो ऐसे घर में से कभी भी धन खत्म नहीं होगा। और तांबे का जो श्रीयंत्र आता है वो खास मूल्य का नहीं आता है, काफ़ी कम दामों में आपको बाजार में मिल जाएगा, लेकिन श्रद्धापूर्वक लेकर के आएँ और उसका पूजन करें। ऐसा करने से 1 वर्ष तक आपके पास घर में धन रहेगा और इन वर्षों के दौरान, इस साल के दौरान आप कभी भी चांदी का श्रीयंत्र ले आएँ या अगले साल धनतेरस के दिन ले आएँ, उसको ला करके पूजन करें। ऐसा करने से 11 वर्षों तक आपके पास में धन रहेगा और फिर आप सोने का श्रीयंत्र ले आएँ। अब मैं आपको बताता हूँ वह चीज़ के जिसको लेकर के आने से यदि आप आपके घर में सिर्फ रखते हैं तो ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए वास करती है। जो कमल गट्टा आता है जिसको कमल के बीज भी कहे जाते हैं, ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये उन्हीं पर वास करती है। तो यदि आप उनको अपने घर में लेकर के आते हैं, कमल गट्टे की माला लेकर के आते हैं और कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र की यदि 1 माला भी करते हैं, प्रतिदिन 1 माला भी करते हैं, तो आपके घर से कभी भी माता लक्ष्मी वापस नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में वास करेंगी। ठीक है, तो यदि आपके धन का अभाव है तो आप कमल गट्टे की माला ले आएं या फिर आप तांबे का श्रीयंत्र ले आएं और इसे लाकर के श्रद्धा के साथ घर में पूजन करने से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में वास करेंगी।
लेकिन यदि आपने आपके घर में साफ सफाई नहीं रखी, घर के बाहर यदि आप कूड़ा करकट रखते हैं, घर में सफाई नहीं रखते हैं, चीज़ों को अस्त व्यस्त तरीके से रखते हैं, तो माता लक्ष्मी की जगह उनकी बहन जो दरिद्रता है वो आपके घर में वास करेगी और पूरे साल चाहे आप फिर कितना भी जतन करें लेकिन आपके पास में पैसा नहीं रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप दरिद्रता से दूर रहें, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, तो इसके लिए आपको आपका जो मुख्य चौखट है उसको साफ रखना होगा। वहाँ पर धूप दीप जला करके रखें, हल्दी कुमकुम चावल पर दिया जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी और जिन चीज़ों का हमने बताया है उस चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। इसके बाद में यदि आप संयंत्र लेकर के आते हैं, तांबे का भी चाहे लेकर के आएँ और उसका यदि मन से पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र से उसको अभिमंत्रित करते हैं, नित्य यदि उसको धूप दीप दिखाते हैं तो पूरे साल आपके घर में पैसा रहेगा। साथ ही साथ मिट्टी का कोई भी बर्तन धनतेरस के दिन आप अवश्य खरीदें, हो सके तो मिट्टी का एक आप घड़ा ले लें और मिट्टी के घड़े को लेकर के आप उत्तर दिशा में रखें और इसको जल से भर के रखें, इसको कभी भी खाली न होने दें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करती है। मिट्टी का घड़ा धनतेरस के दिन लेकर के आएँ और उसको अपने घर में लेकर के आके रखें, उत्तर दिशा में रखें और उसको जल से भर करके रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में पूरे साल वास करेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए देव विकास और अपने जन्म लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।